राजस्थान में कौन सा जगह है? जोधपुर। जोधपुर जगह है, जोधपुर में गया। तो पहले गालियां सिखाएंगे, बैड वर्ड्स। ये जी भैया, हम लोग पहुंच गए बस टर्मिनल। ये है एक्चुअल बस टर्मिनल को ना, वापस यहीं आना पड़ेगा अलमाटी जाने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हाजिर हूँ आपके साथ में एक नए व्लॉग में, नए वीडियो में, व्लॉग जो भी है। और डेट है 1 अक्टूबर, जी हाँ, पांचवा दिन ट्रिप का। और फाइनली हम ताशकंद को कर रहे हैं बाय बाय, रूम को कर रहे हैं बाय बाय। ये हमारा छोटा सा रूम था, पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल जम ही गए थे हम लोग यहाँ पे। इतनी बर्फबारी नहीं है फिर भी हम जम गए थे, कोई ना। बट अभी फाइनली हमने थोड़ा सा हीट लेके अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ, गर्मी लेके। और आज हम लोग जाने वाले हैं शाम तक है हमारी ट्रेन के लिए जा रहे हैं समरकंद, अगर ट्रेन मिल जाती है तो। अदरवाइज दिन में तो हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ताशकंद को, जिसमें एक दो जगह रह गई है उसको एक्सप्लोर करके फिर हम शाम को निकलेंगे समरकंद के लिए। तो बने रहिए व्लॉग में एंड तक। गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं ताशकंद से समरकंद के लिए, तो बस टर्मिनल जा रहे हैं। बस टर्मिनल भी यहाँ पे 2-3 बस टर्मिनल है, पता नहीं कौन सा है कौन सा नहीं है, गूगल पे सर्च कर रहे हैं। तो अभी सर्च किया तरुण भाई ने, तो वो हॉस्टल से 2 किलोमीटर बता रहा था। अभी जा रहे हैं वॉक करके पैदल, और हमने सोचा ही चैकिंग भी करें, बट टाइम ज़्यादा हो गया है और ही चैकिंग के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा सिटी से। तो अभी हम लोग पहले बस का ही देख रहे हैं, बस में जाएंगे। वो खड़े वहाँ पे भाई, वहाँ पे खड़े थे जब बस स्टैंड के लिए जा रहे थे वॉक करके। तो तरुण भाई ने किसी को पूछा तो हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। फिर एक भाई ने बताया और हमारे लिए टैक्सी बुक की। अभी हम लोग टैक्सी में जा रहे हैं बस टर्मिनल। माय नेम इज ब्रोहम, ब्रोहम, आई एम 21 years. Okay. I live in Tashkent. I started at school special ed in foreign language and Minister of Public Education. Okay. Now I study. I student Chemie Technologique. Okay. Okay. Institute. Yeah. Yeah. Three course. तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस टर्मिनल, फिर वहाँ से वहाँ पे जाके एक बार वहाँ पहुँच के फिर बात करते हैं। करेंगे बोलना आप, सबसे पहले गालियाँ सिखाएंगे, बैड वर्ड्स। भाई छोटा सा पंगा हो गया है, पंगा तो नहीं कह सकते, मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। टैक्सी बुक की थी वो भाई जो वहाँ पे मिले थे उसने, वो 17,000 से हम शो कर रहे थे, बट अभी यहाँ पे ये भाई कह रहा है कि 70,000 सोम हो, पता नहीं है इंडेक्स में 70,000 शो कर रहे नहीं कर रहे। फिर फाइनली 30,000 सोम में ये माना है भाई, बट कोई ना, आगे से ध्यान रखेंगे। ये हम आ गए हैं बस टर्मिनल, और यहाँ से मिलेगी समरकंद के लिए बस। छोटी बस है, मास्टर्स का है, और बड़ी बसेस भी है। तो अभी यू सेंड योर मैसेज इंस्टाग्राम, ओके? या श्योर, ओके, प्रॉब्लम उज़्बेकिस्तान प्रॉब्लम, यस टाइम, sure, send me a message, sure. Okay, sure. yeah goodbye, thank you okay. Goodbye. No, bhai yahan ka mall to aisa hai jaise hamare railway station ke bahar hota hai, taxi, har koi aayega aapko bolega kuch bade amount batayega, 5 lakh 4 lakh, fir aap agar bolo to wo kam kar dega, aur uska bhi koi bharosa nahi wo leke jayega nahi leke jayega। भाई ये एज अ प्राइवेट बस स्टैंड है, तो अभी हम जा रहे हैं बस टर्मिनल की तरफ। ये जी भैया, हम लोग पहुंच गए बस टर्मिनल। ये है एक्चुअल बस टर्मिनल, वो उधर जो था वो प्राइवेट टैक्सी स्टैंड था। तो अगर आपको टैक्सी कार में जाना है तो वहां से जा सकते हो, बट आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा उनके साथ में मोल भाव, अदरवाइज
बस टर्मिनल के लिए आप यहाँ से जा सकते हो। ये है कुछ बस टर्मिनल, अभी हम अंदर जाएंगे, टिकट का पूछेंगे, देखते हैं कितने में मिलता है। वो पहले स्टार्टिंग में उन्होंने 3 लाख बोला, फिर वो 2 लाख पे आ गए दोनों दो जने के, और शायद थोड़ी देर और रुकते तो कम कर देते। तो अभी यहाँ जो एक्चुअल प्राइस होगी वो हम आपको बताते थोड़ी देर में अंदर जाके। भाई ये बस के अंदर का टर्मिनल का नज़ारा है, बड़ा ही अच्छा है और शांति भी है। अभी हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ, और 63,000 उज़्बेक सोम है जो प्राइस है 1 पर्सन के लिए। तो ये ठीक है ना यार, वो कहाँ वो कुछ भी मांग रहे थे। अभी बस नंबर लिख दिया इन्होंने और हमें जाके बैठना है बस में। 12:30 का टाइम है तो चलो बस की तरफ चलते हैं। ये है टर्मिनल, वो टर्मिनल बिल्डिंग थी, ये पूरा टर्मिनल है। चलो भाई 63 तो ठीक ही है, चलो अब चलते हैं बस की तरफ। ये है हमारी बस, बस नंबर लिखा हुआ है, सीट नंबर इसमें लिखा हुआ है, ये टिकट कुछ इस तरह से। ये पूरा बस टर्मिनल, अलग अलग जगह की बस मिल जाएगी। और भाई यहाँ से आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर सकते हो, लाइक कजाकिस्तान, रसिया। तो देखा था मैंने अभी काउंटर पे, अल्माटी के लिए बस थी, अस्ताना के लिए बस थी। तो आप यहाँ से इस टर्मिनल से आप इंटरनेशनली ट्रैवल भी कर सकते हो। आपको ना वापस यहीं आना पड़ेगा अल्माटी जाने के लिए। हाँ आ जाएंगे सर, ठीक है ना। चलो बस में बैठते हैं और फिर चलते हैं समरकंद। बस भाई टर्मिनल से रवाना हो गई है, 12:30 बजे का टाइम था और अभी हो रहे हैं लगभग 1 बज रहे, बराबर 1 बजे रवाना हुई है ये टर्मिनल। ये हमारी बस के अंदर का नज़ारा, और अब हम लोग निकल चुके हैं ताशकंद से। गाइज ये है हमारा आज का फूड, हॉट डॉग काइंड ऑफ बर्गर, जिसमें टमाटो और क्यूकम्बर डाले हुए हैं। तो ऊपर से ये थोड़ी सी चिप्स टाइप डाली हुई है। ये है रेस्टोरेंट, बैठे हैं अभी हम लोग। चलो खाते हैं फिर जाते हैं अपने हॉस्टल और करते हैं आराम। तो
गाइस दिन भर की भाग दौड़ बस जर्नी के बाद फाइनली हम अपनी हॉस्टल पहुंच चुके हैं। हॉस्टल तो आ गए थे, बैग रखा, खाना खाने चले गए थे। अभी आपने देखा था, ये है मैप पीछे हॉस्टल, और अभी जाएंगे आराम करेंगे। बस जर्नी हो गई, काफ़ी भागा दौड़ी हो गई, तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं। तो इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।